फिर आपको किसी प्रकार की यदि आवश्यकता होती है तो आप बीच में आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एजेंडा वाइज हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो गत बैठक हुई थी इसी 9 सितंबर 2 पत्रकार महोदय और दूसरे भी जो साथी तो वो कुछ समय के लिए बाहर वेटिंग स्पेस में वेट करें कि किसी प्रकार का यदि आपको फर्दर कवरेज करने की आवश्यकता है तो उस समय आप जरूर पधारें एक बार विधिवत रूप से जो धन्यवाद आप सभी सम्मानित सदस्य गणों का स्वागत की ये जो रस्म की व्यवस्था कर रहे हैं जिला प्रमुख महोदय की अनुमति से विधिवत जो एजेंडा वाइज बिंदु है उन पर सदन में डिस्कस करना चाहूंगा। इससे पहले मैं निवेदन करना श्रीमती वक्तु देवी जी प्रधान प्रचार समिति क्षेत्री बधाएं। श्रीमती वक्तु देवी जी प्रधान प्रचार समिति क्षेत्री बधाएं। थोड़ा भाई सर वार्ड संख्या 32 श्रीमती पाटोदी बधाए। श्रीमती ममता प्रजापत प्रधान पंचायत समिति पाटोदी बधाए। श्री चुनीलाल मात्रा प्रधान पंचायत समिति पायला कला पधारे। श्रीमती वर्जु देवी प्रधान पंचायत समिति रामसर पधारे। श्रीमती वर्जु देवी जी आज की बैठक में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन स्वागत और अभिनंदन की कड़ी में सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार माननीय देवराम जी साहब। अब मैं प्रमुख साहब से निवेदन रहेगा कि आप छिवाड़ा विधायक महोदय का हम बहुत बहुत आभार। अब मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती खतिया जी सीआई राम सर श्रीमती आप ही बता रहे बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आभार। वार्ड संख्या 8 श्री देरावर राम जी बता रहे वार्ड संख्या 11 श्री आसू राम जी बता रहे वार्ड संख्या 11
बहुत बहुत आभार। माननीय विधायक महोदय, जिला परिषद के समस्त साथ ही हमारे सारे जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी और इनके सभी को विकसित कर रहे हैं। आज जिला कलेक्टर महोदय को अर्जेंट मीटिंग के कारण जयपुर जाना पड़ा, तो हमारे कार्यवाहक जिला कलेक्टर महोदय के रूप में मीटिंग साहब है जो यहाँ बैठे, और साथ ही सारे हमारे जो किया जा सके। सर्वप्रथम जैसा कि ये संस्थाओं के निर्वाचन पूरे उसके उपरांत ये जिला परिषद का बोर्ड गठित हुआ है, और जैसे कि हमारी हमेशा से परंपरा रही है, आज जो नवगठित सदस्य गण है बधाई है, तो उनका यहाँ पर लगता है कि गलती होने बैठ लिया। आप लोगों को जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना है तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी जनता की आपके साथ उम्मीद होगी कि आप उनकी बात को है ये जो जिले की सबसे बड़ी पंचायत में उसके मजबूती से रख सकें। और मैं भी इस सदन के अभी यहाँ पर आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि हम जिला स्तरीय जो हमारे टीम है अधिकारियों को आप भी समाज को शिकायतों के संदर्भ में संतुष्टिपूर्वक उनको रिप्लाई दे सकें। परिस्थिति वो संपन्न की जा चुकी है। अब मैं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला प्रमुख महोदय की अनुमति से विधिवत जो एजेंडा वाइज बिंदु है उन पर सदन में डिस्कस करना चाहूंगा। इससे पहले मैं नियोजन करना चाहूंगा कि जो यहाँ पर आमंत्रित सदस्य के रूप में नहीं है इस सदस्य में पत्रकार महोदय और दूसरे भी जो साथी, तो वो कुछ समय के लिए बाहर वेटिंग स्पेस में वेट करें कि किसी प्रकार का यदि ये तालाब जो है कांग्रेस का पक्के बना। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बताएं किसी प्रकार का मानव सरिष्ठ का इसमें कोई विचार रैम कट जैसे ही बरसात खत्म होती और उसके बाद रैम कट भरे जाते और उसकी रिपेयरिंग की जाती। मैं यहाँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी विराजमान है, इनको दो तीन रोडों का एग्जाम बता कि चोटल से सरुक का तला रोड वाया भूल बावड़ी होती हुई जाती है, उनमें कितना काम हुआ, क्या भरा या उनकी क्या रिपेयरिंग हुई ये बताएं अधिकारी। दूसरी मैं रोड बताऊं कि बिराजरा मरदा से तोरणिया मंदिर की रोड जिसमें वहां खड्डे और आने वाले समय में बेड़ा लगेगा, वहां हजारों लाखों श्रद्धालु आते लाइट रात्रि में आमने सामने हो जाती है तो गाड़ी वाला तो देखता है कि गाड़ी मेरे से पास से ढंग से निकले, मगर वो नीचे जो गड्ढा होगा